हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल कॉमन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको रामगढ़ में जो होम गार्ड के लिए वैकेंसी आई है उसके बारे में बताने वाली हूँ। टोटल वैकेंसी 582 पोस्ट के लिए है और आपका लास्ट डेट 6/4 तक है। 6 अप्रैल तक आपका लास्ट डेट है। उसके बारे में मैं सारी जानकारी बताऊँगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं बता दूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, टोटल सीट देखिए, दो तरह का वैकेंसी निकाला गया है, एक ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए और एक शहरी गृह रक्षकों के लिए। तो सबसे पहले जो आपका ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए जो रिक्तियां हैं, रामगढ़ में 57 है, पतरातू में 25, गोला में 34, चित्तरपुर में 101 और दुलमी में 71 है। यानी 288 पोस्ट आपका ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, ग्रामीण होमगार्ड के लिए। और जो आपका दूसरा है शहरी होमगार्ड के लिए, जो टोटल रिक्तियाँ हैं 294। और हम देखते हैं कि इसमें आपका जो आवासीय होना चाहिए ग्रामीण गृह रक्षक के लिए जो भरेंगे उनके लिए, उसके पास आवासीय होना चाहिए रामगढ़ का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, और शहरी के लिए भी रामगढ़ जिला के शहरी क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं उम्र सीमा, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यानी जॉब के लिए। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं, जो 19 से 40 वर्ष तक का आपका जो एज लिमिट होना चाहिए, और यह एज लिमिट 1/1/2018 तक होना चाहिए। 40 उम्र यह 1/1/2018 तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए 19 से 40 वर्ष के लोग इसमें भर सकते हैं, कैंडिडेट जो है वो भर सकते हैं। अब हम देखते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो शैक्षणिक योग्यता जो ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए 7वीं पास है, और शहरी गृह रक्षकों के लिए जो है मैट्रिक पास है। तो हम देखते हैं शारीरिक मापदंड क्या है, ग्रामीण और शहरी गृह रक्षकों दोनों के लिए समान है। जैसे लंबाई में पुरुषों के लिए 162 सेंटीमीटर है, जनरल OBC BC सभी के लिए, और SC ST के लिए जो है शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए जो है 157 है, और जो महिलाओं के लिए लंबाई जो है 148 सेंटीमीटर है सभी के लिए, और इसमें सीना जो पुरुषों के लिए 79 सेंटीमीटर जनरल और OBC और BC कैंडिडेट के लिए, और 76 जो है SC ST कैंडिडेट के लिए है। और आपकी जो तकनीकी दक्षता का मतलब है, जो यदि कोई आपके पास एक्स्ट्रा जानकारी है यानी चिकित्सक हैं या अभियंता हैं या अधिवक्ता हैं, तो उसका आपको लाभ मिलेगा। चयन प्रक्रिया जो है आपका शारीरिक जांच परीक्षा के द्वारा किया जाएगा, जैसे दौड़ कराया जाएगा, ऊंची कूद कराया जाएगा, लंबी कूद कराया जाएगा, शॉर्ट पुट कराया जाएगा, उसके बाद आपका उसी से सिलेक्शन लिया जाएगा। और जो आपका शहरी जो गृह रक्षकों के लिए भी वही जांच है, दौड़ उनके लिए है, ऊंची कूद है, लंबी कूद है, शॉर्ट पुट है, और इसमें हिंदी लेखन क्षमता का भी एग्ज़ाम लिया जाएगा जो 100 पूर्णांक का होगा। ये क्वालिफाइंग है, 30 अंक आपको लाना है दोनों के लिए, चाहे वो ग्रामीण के लिए हो या ये आपका शहरी के लिए हो, तो दोनों को यानी कि 100 में क्वालिफाइंग नंबर हिंदी के लिए लाना होगा। और आपका जो तीसरा बात है यहाँ पे, कि यदि आप खेलकूद में कहीं पुरस्कृत हैं या आपको कोई प्रथम या द्वितीय तृतीय स्थान मिला है राष्ट्रीय या राज्य स्तर पे या स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे, तो उसका भी आपको अंक मिलेगा। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, जैसे प्रथम आए हैं राष्ट्रीय नेशनल लेवल पर तो 6 अंक मिलेंगे, स्टेट लेवल पर तो आए हैं तो 3 अंक मिलेंगे, इसी आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। और यदि आप MSc किए हुए हैं, स्नातकोत्तर किए हुए हैं या MA किए हुए हैं, तो आपका 10 अंक जोड़ा जाएगा, स्नातक के लिए 8 अंक जोड़ा जाएगा, इंटरमीडिएट के लिए 6 अंक जोड़ा जाएगा और मैट्रिक के लिए 4 अंक जोड़ा जाएगा। ये सभी आपका जो सिलेक्शन का प्रोसीज्योर है, जिसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, ये सारा चीज़ अंक जोड़ के। उसके बाद आवेदन कैसे करना है, आपको आवेदन करने के लिए आपको इस पता पे आपको आवेदन करना होगा, हाथों हाथ कार्यालय में जमा करना होगा, जिला समादेष्टा झारखंड गृह रक्षा वाहिनी रामगढ़, यहाँ पर आपको जाके फॉर्म को यानी कि देना है हाथों हाथ। और यदि आप आवेदन निबंधित डाक स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जाता है, तो डाक से भेजने वाले उम्मीदवार लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या और आवेदक का पद का नाम और किसके लिए आप भर रहे हैं वो चीज़ आप लिख दीजिएगा, तो आपका वो ले लेगा। और आवेदन की प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है वो 6/4/2018 तक है, यानी 6 अप्रैल लास्ट डेट है वो, आप उसके पहले आपको भर लेना है, उसके पहले आपको आवेदन जमा कर लेना है। 10 बजे से 15 यानी 3 बजे तक आपका यानी कि लिया जाएगा जो फॉर्म है। अब आपके पास जो है हाथों हाथ ले जाएगा, उसका प्रारूप देख लीजिए, जो आपके आवेदन का प्रारूप क्या है, ये देखिए आपके आवेदन का प्रारूप है, इसी आवेदन प्रपत्र को भरना है, आवेदक का नाम हर चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है देखिए, तो
तो ये पूरी जानकारी हो गई। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, और मेरे चैनल के साथ बने रहें लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। गॉड ब्लेस यू।